2011 में बनने वाली मारूफ अमरीकी फिल्म कॉन्टर, जिनके अंदर आज की दुनिया का हाल तकरीबन 9 साल पहले बता दिया गया था। मूवी के अंदर वाजह तौर पर दिखाया गया है कि एक औरत अमरीका से चीन के शहर हांगकांग अपने दोस्त की तरफ सफर करती है, जहां उसका दोस्त उसके लिए पार्टी का इंतजाम करता है और वो रात का डिनर उसके साथ करती है। अगले दिन वो वापस अमरीका की तरफ सफर करती है। अपने घर पहुंचने के तकरीबन एक दिन बाद उसको चक्कर आते हैं, तेज बुखार होता है और वो जमीन पर गिर जाती है, जहां उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है, मगर वो सेहत याब नहीं हो पाती और मर जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक उस पर एक अजीब किस्म का वायरस हमला आवर हो चुका है, जिसका इलाज दुनिया में अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। दूसरी तरफ उसी औरत का छोटा बच्चा, जो 9 या 10 साल का फिल्म में दिखाया गया है, वो ज्यादातर वक्त अपनी माँ के साथ गुजारता है। माँ के साथ रहने की वजह से ये वायरस उसके बच्चे के अंदर भी मुंतकिल हो जाता है, जिससे उसके बच्चे को भी तेज बुखार, खांसी, नजला, जुकाम हो जाता है। कमोबेश 6 दिन के अंदर उसका बच्चा भी इस वायरस की वजह से मर जाता है। डॉक्टर फौरन उसके बाप को गिरफ्तार करके क्वारंटीना में मुंतकिल करते हैं, जहां उसके मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं और जांच पड़ताल की जाती है कि उसकी बीवी ने कब, किस वक्त कहां सफर किया, उसका बच्चा माँ के साथ कितने दिन रहा। दूसरी तरफ ये बात WHO तक पहुंच जाती है कि चीन में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है, जिसने पूरे चीन को अपनी लपेट में ले लिया है और देखते ही देखते ये वायरस पूरी दुनिया में पहुंच जाता है। और अंदाजा किया जाता है कि अगर इस वायरस की वैक्सीन ना तैयार की गई तो तकरीबन 8 मिलियन लोग इस वायरस का शिकार हो जाएंगे। WHO हंगामी तौर पर लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए अपने घरों में रहने और लोगों से दूर रहने की हिदायत शुरू कर देता है, जबकि फिल्म में वाजह तौर पर बताया जाता है कि पूरी दुनिया के माशी हालात बिगड़ चुके हैं और लोग इस वायरस से मर रहे हैं। पूरी दुनिया में कर्फ्यू सा लग जाता है, लोग घरों में महसूर होकर रह जाते हैं, तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटियां सब बंद हो जाती हैं, रोड खाली होकर वीरान कब्रिस्तान का मंजर पेश करते हैं, मक्का और मदीना भी खाली करा दिया जाता है। जबकि ये बीमारी, जिसको कोरोना वायरस का नाम दिया जाता है, दुनिया में तकरीबन 90 दिन से 144 दिन तक जारी रहती है। इसी दौरान WHO चीन के शहर हांगकांग में अपने 2 खास डॉक्टर भेजता है, जो इस बीमारी के फैलाव की वजह मालूम करते हैं, मगर दौराने तफ्तीश इस बीमारी की खोज लगाते हुए इन 2 में से एक डॉक्टर भी इस महलक कोरोना वायरस का शिकार हो जाती है और 14 दिन के अंदर अंदर मर जाती है। जबकि दुनिया में कफन की कमी और लोगों को इज्तिमाई तौर पर कब्रों में दफनाया जाता है। 144वां दिन WHO कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन तैयार कर लेता है, जो तकरीबन 90 दिन के अंदर पूरी यूरोपीय दुनिया के अंदर पहुंच जाती है। उसके बाद वो एशियाई ममालिक की तरफ भेजी जाती है। वैक्सीन इंसान के नाक के अंदर डाली जाती है, जो फेफड़ों में जाकर कोरोना वायरस के जरासीम को खत्म कर देती है। मगर बीमारी किस वजह से फैली, इसकी खोज डॉक्टर्स और साइंसदान उस वक्त लगा पाते हैं जब उन्हें मालूम होता है चीन में एक चमगादड़ ने केला खाया और वो आधा केला चमगादड़ के मुंह से नीचे गिरता है, जिसे पिग खा लेता है। वो वायरस चमगादड़ से उस पिग में मुंतकिल हो जाता है, जिसे वो औरत जो अमेरिका से अपने दोस्त से मिलने जाती है, वो और उसका दोस्त वो पिग खा लेते हैं, जिससे ये वायरस उसके दोस्त और उसमें मुंतकिल हो जाता है। यूं ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। मगर सवाल ये उठता है, जो कोरोना वायरस दुनिया में फैला हुआ है, बिल्कुल वो चीज तकरीबन 9 साल पहले इस मूवी के अंदर कैसे फिल्माई गई? मूवी के मुसन्निफ को कैसे मालूम हो जाता है कि इस वायरस का नाम कोरोना वायरस होगा और कमोबेश ये वायरस 8 मिलियन लोगों को मुतासिर करेगा? कोरोना वायरस के खिलाफ जब दुनिया कोई वैक्सीन नहीं बना पाती, तो अचानक अमेरिका ये वैक्सीन कैसे बना लेता है? हैरत अंगेज तौर पर मूवी के अंदर WHO के 2 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होते हैं।
जबकि तकरीबन दो दिन पहले WHO के दो माहिरीन इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। क्या ये परी प्लान मंसूबा नहीं? क्या ये वायरस चीन के अंदर एक खास मंसूबा बंदी से नहीं छोड़ा गया? अगर इसका जवाब नो है तो फिर कैसे 9 साल पहले बनने वाली अमेरिका की मूवी दुनिया में सच साबित हो रही है? कैसे एक अमेरिकी मुसन्निफ अपनी किताब एंड ऑफ डाइस के अंदर ये इंकशाफ करती है कि 2020 में दुनिया के अंदर एक महलक वबा फैलेगी जो अचानक पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी और अचानक से ये वबा दुनिया से खत्म हो जाएगी और तकरीबन एक दहाई बाद ये बीमारी दुनिया पर फिर हमला करेगी। ये सब कुछ पहले से अमेरिकन मुसन्निफीन को मालूम होना क्या ये महज इत्तफाक है या अमेरिका का सोचा समझा मंसूबा? मालूमात टीवी के साथ रजब अकाश को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।